जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि समय की एक बड़ी खबर जिला सांबा से सामने आ रही है। सांबा पुलिस के हवाले से आपको बताते चले कि जिला पुलिस सांबा ने एक कुख्यात क्रिमिनल को पीएसए के तहत डिटेन किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिला सांबा से। आपको बता दें ये कुख्यात क्रिमिनल, जिसकी पुलिस ने पहचान भी साझा की है, जो अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था और लगातार पब्लिक के लिए थ्रेट बना हुआ था, तो फाइनली सांबा पुलिस ने इस कुख्यात क्रिमिनल को पीएसए के तहत डिटेन किया है। इसकी पूरी पहचान सामने आई है, शिवदयाल अलियाज सन्नी के रूप में, जो बताया जा रहा है कि आरएसपुरा तहसील का रहने वाला है, जिसमें पूरी जानकारी सामने आ रही है। शिवदयाल अलियास सन्नी सनाब राजेंद्र कुमार रजनब चौहाला कोठे तहसील आरएसपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रूप में इसकी पहचान हुई है। और ये एट प्रेजेंट तेली बस्ती बड़ी ब्रह्मणा के वार्ड नंबर 6 में रहता है। और इसके ऊपर कई अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेकर मामले दर्ज हैं अलग अलग पुलिस स्टेशन में, जिसमें पुलिस ने कई अहम जानकारियां साझा की है, जिसमें आपको बताते चले कि पुलिस स्टेशन सांबा में इसके ऊपर मामले दर्ज हैं, पुलिस स्टेशन अरनिया में, पुलिस स्टेशन मीरा साहब में, पुलिस स्टेशन गंग्याल आरएसपुरा, यहां पर तमाम अलग अलग इसको लेकर क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर मामले इसके ऊपर दर्ज हैं इन तमाम पुलिस स्टेशन में। और आप ये कह सकते हैं कि ये जिला जम्मू और जिला सांबा की बात करें तो यहां पर जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा था, और फाइनली सांबा पुलिस ने इस कुख्यात क्रिमिनल को पीएसए के तहत डिटेन कर लिया है, जो कि लगातार कई अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और ये थ्रेट जो है वो पब्लिक के लिए बना हुआ है। और लगातार जिस तरह से ये जब जेल में जाता था, ये जब बाहर आ जाता उसके बाद भी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा था, यानी ये लगातार आप कह सकते हैं कि इसकी रिपीटेड एंगेजमेंट है क्रिमिनल एक्टिविटीज में, उसी को लेकर पुलिस ने ये अहम कार्रवाई को अंजाम देते हुए इसे पीएसए के तहत डिटेन किया। मैं आपको बता दूं कि एसएसपी विनय कुमार शर्मा जी ने इस कुख्यात नोटोरियस क्रिमिनल का जो डोजियर तैयार किया, उस डोजियर के ऊपर डीएम सांबा ने मोहर लगाई और इसके डिटेंशन के ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए, अब इसे सलाखों के पीछे भेज दिया। मैं आपको बता दूं कि एसएचओ पुलिस स्टेशन बड़े मामला की बात करें, उन्होंने इसके जो वारंट है उन्हें एग्जीक्यूट किया और इसे गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान एक बार फिर आपको बता दें कुख्यात क्रिमिनल शिवदयाल अलियास सन्नी, जो कि डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ भेज दिया गया है। और इसी तरह की कार्रवाइयां आगे भी पुलिस की जो है वो जारी रहेंगी, जिला सांबा को क्राइम मुक्त और नशा मुक्त बनाने में लगातार पुलिस जो वो काम कर रही है और इस तरह के शरारती तत्वों को अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत बुक कर रही है। और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़रूरी है इस तरह की कार्रवाइयां अमल में लाना, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले दिनों में लगातार आपने देखा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ऐसे शरारती तत्व हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, वो चाहे नशा तस्करी में इन्वॉल्व होंगे या अलग अलग तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, जो पब्लिक के लिए थ्रेट बने हुए हैं, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसी को लेकर पुलिस ने इस अहम कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस कुख्यात क्रिमिनल को पीएसए के तहत डिटेन किया। एक बार फिर से आपको बता दें, शिवदयाल अलियास सन्नी सनाब राजेंद्र कुमार रजनडा चौहाला कोठे तहसील आरएसपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रूप में इसकी पहचान हुई है। एट प्रेजेंट तेली बस्ती वार्ड नंबर 6 बड़ी ब्राह्मणा में रहता है और ये कई जो क्रिमिनल केसेस है उसमें इन्वॉल्व है और अलग अलग पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर मामले दर्ज हैं। तो फाइनली पुलिस ने इसको पीएसए के तहत डिटेन किया, जिसमें एसएचओ पुलिस स्टेशन बड़ी ब्राह्मणा ने इसके वारंट एग्जीक्यूट किए और उसके बाद डीएम सांबा ने जो है मुहर लगाई, जो डिटेंशन ऑर्डर इसका जारी किया, जिसमें जो डोजियर तैयार किया गया था एसएसपी सांबा विनय कुमार जी की तरफ से, तो फाइनली अब इसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया। और लगातार पब्लिक की सेफ्टी, पब्लिक की सुरक्षा के लिए पुलिस इस तरह के कदम आगे भी उठाएगी और इसी तरह से जिला सांबा का माहौल ठीक किया जाए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कर्ब किया जाए, क्रिमिनल्स की धरपकड़ की जाए और शरारती तत्वों की धरपकड़ करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि जिला सांबा का माहौल ठीक हो, जिला सांबा क्राइम मुक्त और नशा मुक्त हो। बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है जिला सांबा से। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए।